आजमगढ़। जिला शहर कांग्रेस कमेटी आजमगढ़ ने कठुआ में हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों को शहर अध्यक्ष मोहम्मद नजम शमीम के नेतृत्व में कुंवर सिंह उद्यान स्थित शहीद स्थल पर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। यह समय हम सभी देशवासियों के लिए अत्यंत पीड़ा का क्षण है, क्योंकि हमने बेटा और भाई भी खोया है। हमारे रणबांकुरों ने समृद्ध सैन्य परम्परा का पालन करते हुए देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देश की रक्षा करते हुए आतंकवाद के विरुद्ध हमारे वीर जवानों का ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस हमले के दोषी मानवता के दुश्मन आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए, नजम ने कहा। आतंकवाद के खिलाफ देश एकजुट है, सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी आतंकियों द्वारा सेना के जवानों पर किए गए हमले की घोर निंदा करती है। शहर महासचिव रियाजुल हसन ने कहा, हमारे देश की सरकार आतंकवाद खत्म करने को लेकर तरह तरह के दावे करती है, लेकिन आतंकवाद है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। क्या उनका ये दावा सिर्फ मीडिया की सुर्खियाँ बटोरने के लिए होता है? सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए और आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक जंग लड़नी चाहिए। हम शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्रद्धांजलि देने वालों में प्रमुख रूप से सर्वश्री मुन्नू यादव, पीसीसी प्रदीप यादव, पीसीसी शीला भारती, जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस चंद्रपाल यादव, पूर्व मंडलीय प्रवक्ता तेज बहादुर यादव, जिला उपाध्यक्ष बेलाल अहमद बेग, जिला उपाध्यक्ष शाहिद खान, शहर उपाध्यक्ष रियाजुल हसन, शहर महासचिव मुन्नू मौर्य, जिला महासचिव अधिवक्ता अशफाक अहमद गोविंद शर्मा, शहर महासचिव नगीना मौर्य, मुशीर अहमद, शहर सचिव बालचंद राम, शहर सचिव राजीव यादव, रविंदर यादव, शंभू शास्त्री, मोहम्मद असलम, मोहम्मद मिनहाज, मोहम्मद अफजल, समीर अहमद, मोहम्मद अफसार आदि सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। कायरतापूर्ण आतंकवादी हमला हुआ है हमारे जवानों पर, जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम लोग जो है यहाँ उद्यान में शहीद स्थल पर कैंडल जलाकर उनको श्रद्धांजलि देंगे। और इस मानवता विरोधी कायरतापूर्ण कार्य के की हम जो है सख्त निंदा करते हैं और सारे लोग जो है मोमबत्तियों के जो है उनको श्रद्धांजलि देंगे। आज कैंडल मार्च चलाया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कठुआ में जो आतंकवादी घटना हुई है और जिसमें हम लोग के जवान शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज हम लोग यहाँ पर कैंडल जलाया है और उनकी उन जवानों को हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी आत्मा शांति के लिए हम दुआएं मांगते हैं। इस तरह की जो घटना है वो बहुत ही निंदनीय है और आतंकवादियों को जो है वो बख्शा नहीं जाएगा, ये हमारी मांग है।